बनाने जा रही हूँ चिकन सीख कबाब। ये मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसका ये थाई और ब्रेस दोनों ही है। इसको हम अच्छे से छोटे छोटे पीस में कर लिए हैं और उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। इसको हम इसमें मैंने ऐड किया 3 हरी मिर्च। अब इसे हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। इसी में मैं ऐड कर रही हूँ आधा नींबू ताकि चिकन का जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। इसी में मैं एक अंडा ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और अच्छे से पिस भी जाए। ये देखिए चिकन बिल्कुल पिस चुका है। अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं चिकन को। यहाँ मैंने 3 प्याज लिया है, 3 बड़े प्याज, उसे हम चॉप कर लेते हैं। प्याज देखिए हमारा हो गया है। एक ट्रिक ये बताते हैं, प्याज में आप थोड़ा सा नमक डाल के तो छोड़ दें, फिर प्याज अपना पानी बोलता है, तो प्याज अपना पानी छोड़े तो उसे बिल्कुल स्मैश करके अच्छे से घर के उसमें डालेंगे जो कबाब है वो बहने लगेगा कबाब बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देगा प्याज, उसके बाद हम उसमें डालेंगे बिल्कुल गार के। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक दिए। ये भुना हुआ धनिया है, धनिया के पाउडर भुनी हुई 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, काली मिर्च 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च देगी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, और ये है कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती, धनिया की पत्ती, इसे भी हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं प्याज। ये देखिए प्याज अपना कितना सारा पानी छोड़ा है, इसे हम बिल्कुल भर के डालेंगे। देखें कितना पानी छोड़ दिया है इसमें नमक ऐड करने से, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, प्याज ने कितना पानी छोड़ दिया, इससे हमारा जो है कबाब जो है बिल्कुल फैल जाता है अगर बनाते समय। वैसे हमें इसी पानी इसी तरह बिल्कुल निकाल लें, निचोड़ लें। हाँ, इसकी बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन मिला रहे हैं, बस 2 चम्मच ही बेसन लिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ देखिए मैंने बिल्कुल सब कुछ मैरिनेट कर चुके हैं। अब हम इसे सीख में लगाते हैं, बनाते हैं सीख कबाब। ये देखिए ऐसे लेना है और इस तरीके से सीख में हल्के हाथों से दबा के इस तरीके से इसमें डाल देना है। देखिए इस तरीके से लेना है और इसमें सीख को डाल के हल्के हाथों से फैला लेना।
ये देखिए हमारा कबाब बिल्कुल हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। फ्लफी अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट है, इसे हम अब देखिए सॉफ्ट है, देखिए अंदर से भी बिल्कुल बिल्कुल पक चुका है।